आप सबको गोपाल राजू का नमन। देखिए, कल की चिंता से कैसे मुक्त हूं ये सबसे बड़ी चिंता है, और यही चिंता हमें खाई जा रही है कि कल की क्या चिंता है, कल की हमें फिक्र है। हम आज में नहीं जी रहे, कल में जी रहे हैं, यही हमारी सबसे बड़ी चिंता है। और इससे बचने का बहुत ही सरल उपाय है, मगर बहुत ही क्लिष्ट है, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं उसको कर नहीं पाते, उसको अपना नहीं पाते। इस को जीतने का, कल की चिंता से मुक्त होने का और सबसे बड़ी सफलता का सबसे बड़ा मंत्र, मैं इसको महामंत्र कहूँगा, सहिष्णुता और शक्ति, दो शब्द। अगर देखा जाए तो वस्तुतः ये एक शब्द, दो अर्थ हैं, इनको हम पर्यायवाची भी कह सकते हैं, सिनोनिमी शब्द हैं ये वाले। शक्ति देखा जाए तो क्या है, शक्ति सहिष्णुता है, और सहिष्णुता को देखें क्या है, यही शक्ति है। और ये शक्ति, ये सहिष्णुता शरीर के रोम रोम में समाई हुई है, लबालब भरा हुआ है हमारा शरीर सहिष्णुता से। सहिष्णुता का अगर हम अर्थ समझें तो वस्तुतः ये देखें सिंपल से शब्द में, तो ये शक्ति की पहचान है। शक्ति क्या है, इसको हमने समझ लिया, इसके हमने अर्थ को जान लिया, तो हमने सहिष्णुता को समझ लिया। और हमने अगर इन दोनों का अर्थ को समझ लिया तो ये आपके लिए एक महामंत्र हो जाएगा, ये एक वो एक निमित्त हो जाएगा कि कल की चिंता से हम मुक्त हो जाएं। परंतु हमारी सबसे बड़ी कमजोरी, हमारी जो सबसे बड़ी कमी है, वो कमी यही है कि हम शक्ति की पहचान नहीं कर पा रहे, इसको हम जान नहीं पा रहे कि क्या है ये शक्ति, इसलिए हम असहिष्णु हैं। भगवती सूत्र में देखिए बड़ा अच्छा इसका सुंदर विवरण मिलता है, वहाँ कहा गया है कि हर व्यक्ति, हर इंसान, छोटा हो, बड़ा हो, बच्चा हो, मेल हो, फीमेल हो, दरिद्र हो, रईस हो, हर आदमी अच्छा सोचता है, हर आदमी अच्छा चाहता है, और हर आदमी चाहता है कि हम अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करें, हम अपनी जो हमारे मन है इनका निग्रह करें। हर इंसान तलाशता है कि मैं मन का निग्रह कैसे करूं, और कल मेरा कैसे अच्छा हो, कैसे मैं चिंता मुक्त हूं। अब ये जो चीजें हैं, देखिए इनके कारण में जाएंगे अगर, तो ये हम समझ जाएंगे कि हमारे पास, हमारे अंदर इस शक्ति का प्रॉपर रूप से, उचित रूप से विकास नहीं हो पा रहा, हम इस शक्ति को अच्छी तरीके से समझ नहीं पा रहे, या हम ये कह दें सरल से शब्दों में कि हमारे पास योग्यता नहीं है, हमारे पास वो ज्ञान नहीं है कि हम इस शक्ति को पहचाने। और इस विशेष सर्किल से, जो मकड़ जाल है जिसमें हम उलझे हुए हैं, इससे आगे जाने के लिए शक्ति को समझना, शक्ति का विकास, ये अत्यंत आवश्यक है। देखिए इसको इस तरह समझिए कि शक्ति एक परिणाम है शक्ति की पहचान का, परंतु ये भी ध्यान रखें देखिए कि शक्ति की पहचान होना और शक्ति का उचित प्रयोग करना दो अलग अलग बातें हैं। पहचान अलग चीज है और इसका उचित प्रयोग, ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। देखिए एनाटॉमी से मैं समझता हूँ हर आदमी परिचित है, हमारे ऑर्गन्स, हमारे शरीर में ग्लैंड्स हैं, मांस है, मज्जा है, सब जानते हैं। हमारे शरीर में पिट्यूटरी ग्लैंड है, हमारे शरीर में देखिए आप थायराइड ग्लैंड है, हमारे शरीर में एड्रिनल ग्लैंड है, हम परिचित हैं, हम इन नामों से फैमिलियर हैं, हमें पता है, हम ये भी जानते हैं देखिए कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये हमारे बॉडी के फंक्शनिंग को प्रॉपर रूप से ग्रोथ देती है, और इसमें हुआ इम्बैलेंस अगर पता है तो ग्रोथ रुक जाती है। हमें ये भी पता है कि थायराइड अगर ग्लैंड हमारी ओवर एक्टिव है, अंडर एक्टिव है, तो हमारे अंदर ओबेसिटी हो जाएगी, हमारे अंदर हम अंडर वेट रह जाएंगे, शरीर का पतला होना, शरीर का मोटा होना, ये भी एक कारण बनता है थायराइड के इम्बैलेंस का। हमें देखिए भी पता है कि अगर हमारी, मान लीजिए एड्रिनल हमारी जो ग्लैंड है ये अगर हमारी इम्बैलेंस हो जाए, प्रॉपर इसका फंक्शन नहीं हो, तो ये हमारे वृत्तियों को अनियंत्रित कर देगी। वृत्तियों को कंट्रोल करने के लिए एड्रिनल ग्लैंड का एक बहुत बड़ा रोल होता है शरीर के अंदर, सब जानते हैं। देखिए शरीर की इन जैसी जो हमारी अनेकों शक्तियाँ हैं, हमारी तो शक्तियों का भंडार है ना, अनेकों शक्तियाँ हैं, अच्छे से पहचानते हैं हम इनको, अच्छे से हम इनको जानते हैं, मगर प्रॉपर क्या है कि इन शक्तियों का ज्ञान, इन शक्तियों की पहचान और इन शक्तियों का प्रयोग, ये हम नहीं कर पा रहे। शक्ति की पहचान, शक्ति का प्रयोग आवश्यक है कि हम इसको पहचानें और हम असहिष्णु बने।
पंडित गोपीनाथ कविराज जी ने लिखा है उन्होंने कि शरीर के कण कण में शक्ति निहित है, और अगर इस शक्ति को हमने पहचान लिया तो हम महान सफल हो सकते हैं, हर चीज में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, कल की चिंता से मुक्त हो सकते हैं। शरीर का कण कण, शरीर की कोशिका, प्रत्येक कोशिका एक शक्ति, क्या एक शक्ति का पावर हाउस है। हम शक्ति को पहचान नहीं पा रहे और हम असहिष्णु बने हुए हैं। अंदर की शक्ति का हमें बोध नहीं है, पहचान नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। शक्ति का प्रस्फोट कैसे किया जाए इसका हमें कुछ पता नहीं, और इस विधा से, इस तरीके से, इस मर्म को, इस तथ्य को, इस सत्य को हम समझ नहीं पा रहे। हम इससे बिल्कुल ही अनजान हैं। हमारे अंदर कारण क्या है, अहम भरा हुआ है। हमारे अंदर कारण क्या है, ममकार है। ममकार मीन्स कि बस मैं मेरा 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 मेरा, मेरी ही मेरी चिंता, मेरी ही मेरी चिंता। और हम देखिए हर समय तनावग्रस्त हैं, हर समय हम चिंता से ग्रस्त हैं, हर समय हम अवसाद से पीड़ित हैं। और ये चिंताएं हमारी अपनी नहीं हैं, ये चिंताएं हम दूसरे को देख के चिंतित हैं। अगर हम अपने में देखें, स्वयं में देखें, तो कोई चिंता है ही नहीं। प्रभु ने इतना दिया है, इतना भरा हुआ है, अकूत अकूत सुख भरा हुआ है हमारे अंदर, मगर हम उस सुख से वंचित हैं। हम इसलिए चिंतित हैं कि दूसरा क्यों चिंता मुक्त है, हम इसलिए असहिष्णु हैं कि दूसरा क्यों सहिष्णु है। हमारे अंदर द्वेष है, हमारे अंदर क्लेश भरा हुआ है, हमारे अंदर ऊंच नीच की भावना भरी हुई है, और हमारे अंदर सबसे बड़ी ये भावना भरी हुई है कि मेरा कद उसके कद से छोटा क्यों है। ये प्रसन्नता, ये पीस, ये मानसिक शांति, इसीलिए हम इन सब चीज़ों से दूर हैं और हम असहिष्णु बने हुए हैं। देखिए अगर हम इस शक्ति को पहचान लें, हम इस सहिष्णुता को पहचान लें, इसका बोध कर लें, और इसका सबसे बड़ा प्रॉपर रूप से इसका उचित प्रयोग, प्रॉपर रूप से इसका यूटिलाइजेशन, प्रॉपर रूप से हम इसको ये जान लें कि इसको हम किस तरीके से अच्छी डायरेक्शन में मोटिवेट करें, तो फिर सफलता हमसे कहीं दूर नहीं है। हम कल की चिंता से मुक्त हैं। देखिए यही गोपाल लाजू मोटिवेशनल वीडियोस का मोटिव है। इसको दोस्तों आगे बढ़ाइए, इसको फॉरवर्ड कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और एक मैं रिक्वेस्ट जरूर करता हूँ कि जो नोटिफिकेशन बेल आइकन आता है इसमें क्लिक कर दें, तो हमारे रेगुलर आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपाल लाजू।